होने के चलते किसानों की परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही। धर्मपुर पंचायत के 100 से 150 किसानों ने तहसील कार्यालय के सामने आकर प्रदर्शन कर कार्यालय का घेराव किया। किसानों ने बताया कि बारदाना खत्म होने का बहाना बनाया जा रहा है। किसानों का कहना है कि अगर बारदाने खत्म हो गए हैं तो नए बारदानों की व्यवस्था कराई जाए या फिर पुराने से ही काम चलाया जाए। किसानों का कहना है कि धूप हो चाहे बरसात, हम मेहनत करके खून पसीना लगाकर धान उगाते हैं और जब धान खरीदने की बारी आई तो अधिकारी खरीदने से इनकार कर रहे हैं और तारीख पे तारीख दिए जा रहे हैं। 5 तारीख से लेके जो है ना 14, 15, 10, 11, 12 करके जो है ना लास्ट डेट जो है ना 20 तारीख को दिया तो धान लेके मैं मतलब खरीदूंगा। तो हम लोग उनको 20 तारीख का लास्ट डेट दिया, देने के बाद बोरा नया करके हम लोग 5 बजे से गाड़ी जो है ना खड़े करके तहसील कार्यालय में हम लोग इसलिए बैठा है कि हम लोग जो धान उगाया है फसल में जो खेत में वो धान को तो हमें बिकना है। लोन भी लिया है सरकार से, वो लोन चुकाने के लिए तो हम लोग उनका कोई रास्ता नहीं कि ना हमारे पास कोई धंधा है ना बिजली है ना नौकरी है। क्योंकि हमें तहसील कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन किया गया है जिसका कारण है नियत समय में बारदानों की कमी की वजह से धान खरीदी ना हो पाए, तो उक्त विषय में लगातार शासन से बातचीत किया जा रहा है। तो शासन के आदेशानुसार तत्काल समय में धान नहीं बेच पाया है। आज धान खरीदी अवधि खत्म हो चुका है लेकिन हमारे इतने किसान जो सैकड़ों किसान आपको दिखाई दे रहा है इनके धान अभी तक बिक्री नहीं हुआ है। इसलिए किसान उनके धान बेचने की आस में प्रशासन के पास आया है और प्रशासन को घेर के बैठा है। प्रशासन ऐसा कोई आश्वासन दे कि हमारे धान वो लोग खरीद लेंगे। दंतेवाड़ा जिले में धान खरीदी